नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको JVM डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप PPF अकाउंट से करोड़पति बन सकते हैं क्या? अगर मुझे पूछे तो आप डेफिनेटली बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर ऑल में सेलेक्ट कर दीजिए। सरकार PPF स्कीम 1968 से चला रही है, बट इस स्कीम के बारे में ना कोई बैंक आपको पब्लिसिटी करता है, ना कोई एजेंट पब्लिसिटी करता है, क्योंकि इस स्कीम का फ़ायदा ना कोई बैंक को मिलता है, ना कोई एजेंट को मिलता है, सिर्फ आपको ही मिलता है। बैंक सब तो सिर्फ एजेंट है, आपसे पैसा लेती है और सरकार के खाते में जमा कर देती है। आपने सुना होगा PPF अकाउंट का इंटरेस्ट जो है सारे बैंक में समान होता है, क्योंकि इस स्कीम को सरकार चलाती है, बैंक सब तो सिर्फ एजेंट है। PPF के अकाउंट आप जो है कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक से जो है आप खोल सकते हैं। लगभग सभी बैंक में जो है ये सारी सुविधा उपलब्ध है। PPF अकाउंट आप जो है 15 साल का जो है इसका टाइम पीरियड होता है। अगर आप चाहे तो इसे 5-5 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और 2 साल के बाद आप जो है इस पर लोन भी ले सकते हैं, और 6 साल के बाद आप जो है इसमें से अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या बच्चों का पढ़ाई के लिए कोई आपको जो है अमाउंट की ज़रूरत है, तो आप 5 साल के बाद इसे क्लोज भी कर सकते हैं। एज लिमिट, PPF अकाउंट जो है 0 उम्र से जो है खोल सकते हैं, यानी इसका कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी उम्र का लोग जो है PPF अकाउंट खोल सकते हैं। इस अकाउंट में आप जो है 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक आप जो है सालाना जमा कर सकते हैं। जमा करने के लिए कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, आप जितने चाहे, आपके पास जितने अमाउंट है उतना ही आप जमा कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि 1.5 लाख रुपये से ऊपर ना जाए, और 1 महीने में 2-3 बार भी जमा कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। बस ये आप कोशिश करिए कि आप जो भी पैसा जमा करते हैं हर महीने के 5 तारीख से पहले जमा कर दें, ताकि आप उस महीने का पूरा जो है इंटरेस्ट आपको मिले। अगर आप 5 तारीख के बाद जमा करते हैं तो आपको उस महीने का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, अगले महीने से आपको इंटरेस्ट जो है जोड़ा जाएगा। टैक्स बेनिफिट्स, इस अकाउंट में आपको जो है टैक्स की बचत ही बचत है। सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये तक जो है आप टैक्स के लिए जो है एग्जम्पशन ले सकते हैं। PPF अकाउंट में पैसा जमा करते समय और विड्रॉ करते समय कोई टैक्स नहीं लगता है, और कोई अलग से हिडन चार्जेस भी नहीं है। कि आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि करोड़पति कैसे बन सकते हैं। मान लीजिए आप 12,500 रुपया मंथली जमा करते हैं, करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो 7.1% है, पीरियड 15 साल, देखें तो आपको जो है लगभग जो है 40 लाख रुपया बनता है। आपका जो डिपॉजिट जो है लगभग आपने 22 लाख रुपया डिपॉजिट किया, बट जो है आपका अमाउंट लगभग 40 लाख रुपया बनता है। अगर आप 5 साल के लिए इसे एक्सटेंड करें तो कितना अमाउंट होता है आइए देखते हैं। अगर आप इसे 5 साल के लिए एक्सटेंड करें तो सेम जो है 12,500 रुपये अगर आप जमा करें तो 7.1% इंटरेस्ट के हिसाब से आपका अमाउंट जो लगभग 64 लाख जो है बनता है। अगर इसे आप और 5 साल के लिए एक्सटेंड करें, यानी और जो है टोटल 25 साल जो है आपका अमाउंट जो है आप देख पाएंगे जो है कैलकुलेट करके लगभग 99 लाख, यानी लगभग बन गए ना आप करोड़पति। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।